शाहरुख खान का रोल है एक रॉ एजेंट का। मेरे ख्याल में उनकी उम्र ये है ही नहीं कि वो एक रॉ एजेंट का रोल प्ले करें, जिंदा है मारधाड़ करें, डांस करें, भागे दौड़े कहानी होगी। शाहरुख खान की उम्र इतनी हो चुकी है, उनको आज अमिताभ बच्चन साहब की तरह बाप का रोल करना चाहिए, दादा का रोल करना चाहिए। क्यों भाई, KRK आ गया स्वाद। KRK भाई, KRK नाम रखने से SRK के पास नहीं आ जाते। ऐसे देखे तो नाम में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, लेकिन वैसे देखे तो जमीन आसमान का फर्क है। ये सर शाहरुख खान का बर्थडे है एंड पठान का टीजर रिलीज किया। देखो डायरेक्टर, मैं पहले बता रहा हूँ, जो डॉन 2 का शाहरुख का एंट्री था और जो वॉर में ऋतिक का एंट्री था, मेरे को दोनों मिला के एक शाहरुख का एंट्री चाहिए इसमें। इतना खतरनाक एंट्री चाहिए। यहाँ पर शाहरुख के लुक से आपको लगे कि सीधा वीर जारा में जब शाहरुख भाई जेल में थे डायरेक्ट वहां से आ गए। लेकिन इसमें एक जेट पैक वाला सीन है जो कि प्रभास की मूवी साहू में भी था। यही देख के डरता हूँ कि भाई साहू वाला हाल ना हो इस फिल्म का। ये जिसको डायरेक्ट किया है वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने। प्रॉब्लम ये है कि दोनों मूवीज में एक्शन अच्छा था लेकिन स्टोरी नहीं थी। बट ट्रेलर का हाईलाइट अगेन शाहरुख खान। आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मेरे को VFX थोड़ा, जैसे यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ऐसे जॉन इब्राहिम से हाइट कैसे बढ़ गया शाहरुख खान का। आई नो बॉडी डबल यूज होता है लेकिन चलेगा, शाहरुख खान को हाइट की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान अलग हाइट पे। तो आराम से मूवी रिलीज करो, थोड़ा लेट करोगे चलेगा, लेकिन अच्छा VFX के साथ मूवी दो। 4 साल बाद SRK को देख रहे हैं, हमारा दिल नहीं टूटना चाहिए। ओके ना सिद्धार्थ भाई, आनंद आ जाना चाहिए। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखा जा सकता है कि कोई होटल का स्टाफ उनके रूम में घुस गया, घुसा तो घुसा फुल व्लॉगिंग करने लग गया। भाई बहुत भारी कलेक्शन है विराट के शूज का, और क्या है दिखाओ। छोटे तूने कुछ किया हो या ना किया हो, ये ब्रांड्स का प्रमोशन जरूर कर दिया है और अपने होटल का डिमोशन। मेरे को तो आज से अभी से रात को होटल रूम में अकेले सोने का डर पैदा हो गया। न्यू फियर अनलॉक्ड। बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, UP is OP। UP is OP में आज न्यूज है UP के प्रयागराज की। तो प्रयागराज में दुकान से बहुत दिनों से बल्ब चोरी हो रहे थे। दुकान वाले ने सोचा कि जरा देखा जाए CCTV में कौन बल्ब चुरा रहा है, फिर पुलिस वालों को हम बताएंगे। तो आप गेस कर रहे हो ना, जब उन्होंने CCTV में देखा तो बल्ब पुलिस वाला ही चुरा रहा था। अरे बर्फी के रणबीर कपूर, पुलिस वाला हो क्या, बल्ब कैसे चुरा रहे हो यार? आपको उजाला लाना है लोगों के जीवन में, अंधकार नहीं। तो देखो इनको देख के लग नहीं रहा कि पहली बार इन्होंने बल्ब चोरी किया है, प्रो लग रहे क्या? विप्रो के बल्ब चुराते हो क्या, प्रो? और क्या अगली न्यूज आ रही है मुंबई से। तो मुंबई का एक रेलवे स्टेशन में पानी पीने के नल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। स्टेशन की एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर तुम लोग खुद ही देख लो। मस्त भाई, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। ट्रस्ट मी, मेरे को लगता है ना ये मेरे कॉलेज टाइम पे रहना चाहिए था, जो मैं बिना नहाए जाता था ना, रोज का फ्री शावर हो जाता था मेरा। और उसी वजह से कोई लड़की आ जाती जीवन में, वो अलग हो जाता। ठीक है यार, बट आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे ही टिकट के भाव नहीं बढ़ रहे हो कि सुविधाएं भी बढ़ रही है। वहां पीने को पानी नहीं मिलता स्टेशन पे, लेकिन यहाँ पर नहलाया जा रहा है लोगों को यार। अप्रिशिएट करो। लोग अभी यहाँ पर वीडियो बनाने वाले को कोस रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहा है उधर, तू कुछ करना वो बंद करने के लिए। भाई वो क्या करेगा, बापूजी जैसा उठ जाएगा वो। मैं होता भाई मस्त शैम्पू वैम्पू लेके जाता, एकदम मस्त नहा लेता। आप करते हो कि नहीं भाई शैम्पू बाल में? ड्राई और डैमेज्ड बाल होते हैं ना भाई, अच्छा लुक नहीं आता बालों का। इसलिए प्रेजेंटिंग टू यू बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू एंड कंडीशनर, जो आपको सैलॉन जैसे बाल देता है। बी ब्लेंड तो आप सबको पता ही है, प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड है, विच इज सिनोनिमस विद कटिंग एज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर। नाउ इसमें है जजोबा ऑयल जो की रिच है विटामिन में एंड मिनरल्स में, ये एक्ट करता है एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर, बालों को नरिश करता है एंड स्ट्रेंथ देता है व्हाइल इम्पार्टिंग शाइन। विटामिन ई जो की हमें पता है बालों के लिए चाहिए चाहिए, ये हाइड्रेट एंड
रिजुविनेट करता है ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प को और बालों की इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है। शाइन देने के साथ साथ हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। यूज करना सिंपल है, गीले बालों पे शैम्पू लगा के मसाज करना है, फिर धोकर इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर लगाना है, मिड लेंथ और एंड तक फोकस करना, 3 मिनट तक रख के धो देना। यूज करने के बाद बाल अलग लेवल के स्मूथ हो जाते हैं भाई, ऐसा लग रहा है लिटरली सैलून से आए हो आप। फिर क्या भाई, फ्लॉन्ट करो मस्त बाल। और यूज करने के 48 आवर्स पहले पैच टेस्ट रिकमेंडेड है। इसमें एक एनक्लोज लीफलेट है, उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना यूज करने से पहले। भाई जब भी आप बी ब्लेंड से परचेज करते हो कुछ, वो आपके ऑर्डर को लिंक करती है एक वुमेन से, जो वो एम्पावर करते हैं विद संभव फाउंडेशन। उनका मिशन है इस देश में 10,000 प्लस वुमेन को एम्पावर करना। मेरा प्रोमो कोड यूज करना थगेस्ट20, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ, जो कि वैलिड है beblend.com पे। एंड प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल Amazon, Flipkart, Nykaa पे, सो चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और क्या, अगली न्यूज आ रही है उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहाँ पर एक आदमी ने स्कूटर खरीदा कैश देके। यस, वो भी 50,000 कैश, बट उसने ये 50,000 10-10 के सिक्कों में दिया। भैया जी, आपका कोई बदला बदला ले रहा है शोरूम से? एक्स काम करती है वहां पे जो उसको गिनने लगा रहे हो? जी भाई, ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। मैं तभी सोचूं, आजकल सारा मार्केट में 10-10 के कॉइन किधर गायब हो रहे। पैसे मिल रहे हैं फिर भी अलग ही तकलीफ है शोरूम वालों की। पैसे और तकलीफ से एक और स्टोरी आ रही है मुंबई से। तो मुंबई के अंधेरी में 49-year-old औरत के साथ हो गया स्कैम। यस, इनके साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया 2.5 लाख रुपए का। पिछले वीडियो में हमने बताया था कैसे एक आंटी राजभोग थाली मंगा रही थी 100-200 रुपए की। इस बार ये आंटी 1,000 रुपए की मिठाई मंगा रही थी। फिर उसका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ तो उसने फोन किया सेलर को कि क्या भाई मेरा ऑर्डर नहीं लग रहा है। सेलर ने बोला, कार्ड डिटेल्स दो मैं कर देता हूँ, OTP दो मैं कर देता हूँ। आंटी ने दे दिया, मिठाई तो चाहिए, चाहे OTP चले जाए चाहे मेरा घर चले जाएगा, मिठाई तो चाहिए। आंटी जी, आप अंधेरी में रहते हो लेकिन ऐसे कौन से अंधकार में हो कि इतना भी नहीं पता कि OTP नहीं देना है किसी को। और एक बात मेरे को समझ नहीं, मिठाइयां तुम लोग ऑनलाइन क्यों मंगा रहे हो भाई? स्कैमर का क्या, उसको तो दिवाली बोनस मिल गया। मैं तो बोल रहा हूँ और कुछ नहीं भाई, ऑफलाइन जो दुकानें होती है ना उनकी बद्दुआ लगी है आपको, हमसे नहीं लेना मिठाई है? सही है यार, क्या दिवाली गई। आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही हो। एक लड़के ने दिवाली के सेल से मस्त गेमिंग लैपटॉप मंगाया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। आपको तो पता ही है गेस वाला गेम कर रहे हैं, आपको बताओ क्या निकला होगा उसमें से। चूहे, कागज, फूल, पत्थर। द राइट आंसर इज डी, पत्थर। यस, अरे वो पत्थर नहीं है, वो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है 5090 सुपर। डाल के देख, पीसी में बहुत जबरदस्त चलेगा। देखो क्या लगा, तू कुछ भी बोल देगा और हम न्यूज कवर कर लेंगे। हाँ, तेरे को फ्री लैपटॉप चाहिए तो कम से कम भाई लैपटॉप की जगह पे कुछ फेक लैपटॉप रख देता। पत्थर, इट्स लाइक स्कैम करना है। लैपटॉप के डिब्बे में क्या डाल दूं, पत्थर दिख रहा है वही डाल देता हूँ। ये वही बच्चा जिसको एग्जाम में पूरा पूरा पेपर दिखा दो ना, फिर भी फेल हो जाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा। और क्या इंस्टाग्राम सडनली लोगों के फॉलोअर्स कम करने लग गया। इस पहले एल्गोरिदम, एक तो उनका इतना अच्छा है नहीं, उसमें फॉलोअर्स कम कर रहे हैं। हमने भी कंप्लेन की इस बारे में कि हमारे 10-15 हज़ार फॉलोअर्स कुछ घंटों में गायब हो गए। मैं तो डर गया, थैनोस ने चुटकी मारा कि क्या हो गया। एक इन्फ्लुएंसर जिसके 14,000 फॉलोअर्स थे वो तो माइनस में चली गई। सारा वही मैं सोचूं, इतने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के मैसेज क्यों आ रहे, खबरेज भाई काम दिला दो। मैंने बोल दिया, नहीं भाई ऑलरेडी एक आदमी का चैनल मैं ही चला रहा हूँ। एनीवेज, बढ़ते हमारे वेरी लाउड सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। यहो बिहार के लाला। एक बिहारी सब पे भारी में आज न्यूज है बिहार के छपरा की। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चल रही थी, स्टूडेंट जाके एग्जाम में बैठा बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस, हमारी ही तरह उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है। तो उसके दिमाग में भोजपुरी गाना चल रहा था, भाई ने भोजपुरी गाना लिख दिया। भाई रंगदार स्टाइल, भाई कहले बात तो हाथ इस्माइल। दादा फरत था, तेरे को गाना याद रह गया, तेरे को आंसर्स याद नहीं रहते। फिर क्या, टीचर ने उसके बाप को फोन किया, लेकिन गेस व्हाट, बाप को फोन भी इसने उठाया। क्या लिखे हो सर? वो एक गाना था वही लिखे है सर, माया लिखने में। सर मुझे तो सब पता था कि सर कॉपी पे जांच नहीं होता है, क्योंकि सर परीक्षा भी उस तरह ही हो रहा था। गाना लिख ही दिया है तो इसका गाना लिखा था, उससे पैसे ले ले प्रमोशन के। देखो इसको, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ब्लॉग बना रहा है वीडियो का। एनीवेज भाई, एक बिहारी स्टूडेंट पूरे स्कूल पे भारी। एनीवेज गाइस, बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में, चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज है बैंगलोर के एक लड़के की। तो लड़का जा रहा था अपने स्कूटी पे, जब घर जाकर उसने देखा तो उसके स्कूटी पर हेलमेट ना पहनने के लिए चलान था।
भाई ने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो हेलमेट पहना था। फिर क्या वो ट्विटर पर गया एंड ट्वीट किया पुलिस को कि भाई सॉलिड प्रूफ दिखाओ कि मैंने हेलमेट नहीं पहना है। ऐसे कैसे तुम लोग कर सकते हो, पहले भी मैंने पैसे भरे, इस बार मैं पैसे नहीं भरूंगा। फिर बेचारी पुलिस ने प्रूफ सबमिट कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है भाई, झूठ बोलने का इतना कॉन्फिडेंस। और ये जो हेडफोन्स पहने हैं ना, वो हेलमेट काउंट नहीं होते भाई। हो गया ना फ्री फोटोशूट कॉट इन 4K। और क्या ट्विटर के न्यू मालिक इलोन मस्क ने बोला है कि अभी जिसके भी ट्विटर पर वो वेरीफाइड टिक रहता है ना, वो जिसके पास भी टिक है उसको महीने के $20 देने पड़ेंगे। यस, $20 मतलब तकरीबन 1600 रुपए। मतलब क्या बात है ना, वेरीफाइड हो तो भी तकलीफ, ना हो तो भी तकलीफ। मान गया भाई इलोन मस्क तो मॉडर्न डे वसूली भाई निकला। देखो ये गुजराती ब्रेन टाइम मेरा स्लोगन है, आप यूज मत करो। एनीवेज हम बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में, इंटरनेशनल छपरी। इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है स्पेन से। स्पेन में एग्जाम्स चल रही थी और जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ एग्जाम्स में गाना लिख देते हैं लोग, वैसे वहां पर लोग नहीं करते, वहां पर लोग एक्चुअली मेहनत करते कॉपी करने के लिए। यस, स्पेन का एक लॉ स्टूडेंट एग्जाम में लेके आया 11 पेन्स। जब टीचर ने देखा कि भाई ना क्या लिख रहा है भाई, 11 पेन लेके आया, तब उनको दिखा ये। तो 11 पेन लेके आया एग्जाम में, तेरे को लगा किसी को शक नहीं होगा? अबे मिस्टर बीन, देख रहे हो भाई कितनी मेहनत से छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। इतनी मेहनत पढ़ाई में कर ली होती ना, पास होने जितने तो मार्क्स आ ही जाते। ऊपर से लॉ स्टूडेंट, साला लॉयर ही देखो लॉ तोड़ रहा है। और मैं गारंटी लेके आपको बता रहा हूँ, ये इसने लाइफ हैक से सीखा है और कुछ नहीं। और क्या इंटरनेशनल छपरी में एक और न्यूज है हमारे पास, न्यूज है यूके से। तो यूके में एक आदमी ने ऑनलाइन खाना मंगाया था, वो बहुत टाइम तक अपने खाने का वेट कर रहा था कि अभी मेरा खाना आएगा, मजा आएगा खाने में। बहुत टाइम तक खाना ना आने पर उसने डिलीवरी बॉय को मैसेज किया कि भाई किधर है तू, व्हाट हैपेंड? डिलीवरी बॉय, फूड इज वेरी टेस्टी, आई एट दिस वाला इमोजी, वाला इमोजी भी डालेगा और ऊपर से बोल भी रहा है यू कैन रिपोर्ट इट टू डिलीवरी कंपनी। अबे खाने में नमक है या नहीं पता नहीं, जले पे जरूर नमक छिड़क दिया, वो भी ऊपर से इमोजी भेज रहा है। इमोजी भेज रहा है तू, इतना बड़ा हो गया। फिर आगे उस आदमी ने लिखा यू आर एन ऑफुल मैन, बोलता आई डोंट केयर। तो पक्का नोटिस पीरियड पे होगा या तो जॉब का आखिरी दिन होगा, वरना तो कोई ऐसा ना करे। देखो लॉन्डो सारे कांड ना जोमेटो नहीं करता, बाहर भी होते हैं ऐसे। भाई अगर आपके पास जैसे कोई फनी न्यूज मिलती है, आपके आसपास से कोई फनी न्यूज होती है, तो उसका आर्टिकल मेरे को इस ईमेल आईडी पे सबमिट करो, जरूर फीचर करेंगे अगले एपिसोड में। एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @Mahesh Keshwara। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक वीडियो देख के भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट बी ब्लेंड के इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू एंड कंडीशनर, बहुत मस्त है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लेना। दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडेज़ एपिसोड ऑफ लेट नाइट खबरें शो। जल्दी मिलते हैं न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।